ढूंढता हूं ऐसे लोगों को जो अंदर जाके बिक जाते हैं और शिक्षा मित्रों से कहते हैं कि गुणवत्ता सुधारो। किस बात की गुणवत्ता? शासन ने आदेश कर दिया है कि 25 तारीख तक का वेतन शिक्षा मित्रों को भुगतान कर दिया जाए, उसके बाद क्या मिलेगा? गुणवत्ता क्यों हम लोग सही करें? हम लोग सड़क से पड़े हैं, हमारे अपने लोग जो बिक चुके हैं, जो अपना शिक्षा मित्रों को 3 दिन डमरू की तरह नचाते रहे और कल फिर विज्ञप्ति जारी करते हैं। उनका पूरा प्रयास था कि कहीं दिल्ली का धंधा सफल न हो जाए, केंद्र सरकार अध्यादेश न लगा दे, ऐसा कुछ खेल करो कि शिक्षा मित्र गुमराह हो, इनका भविष्य जो करते हो बना रहे, हमारे डमरू को ये नाचते रहे, हमको चंदा देते रहे, हमारे लिए दरिया बिछाते रहे। तो आप लोगों से अनुरोध है, हम लोग कहेंगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने साथियों को फोन करो कि अगर भविष्य प्यारा है, अगर कुछ चाहते हो तो इस जंतर मंतर की सरजमी आपको पुकार रही है। जो कुछ होना है केंद्र से होना है, योगी बाबा कुछ नहीं करेंगे, फक्कड़ और कमंडल बाबा, उनके पास फक्कमंडल है और फक्कड़ बाबा है, कुछ नहीं करेंगे, चिलम लगा लेते हैं, प्रदेश का भ्रमण करते हैं, आज तक कुछ किया ही नहीं। जो कुछ होना है इस सारी जमी से होगा और करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ मजबूती से सहयोग किया, मैं साथ गांधीवादी तरीके से करवा के रहूंगा, चाहे हमें यहाँ से हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन अनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। 17 साल स्कूलों में कलम चलाई है, 17 दिन यहाँ पर हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों के लिए आंदोलन भी करेंगे, उसके लिए शासन प्रशासन के लोगों से, मीडिया के साथियों से भी हम लोग अनुरोध कर लेंगे कि हम भी आपके परिवार के हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भी परिवार से कोई शिक्षा मित्र होगा यूपी में जिसने 17 साल 2200, 2400, 3000 और 3500 रुपए कार किया है, तब वो योग्य थे, तब सब ये कानून, ये न्यायालय, ये सरकार तब ये कहती थी ये शिक्षा मित्र बहुत अच्छा काम करते हैं, ये योग्य है। जैसे ही अध्यापक बना दिया गया ये अयोग्य हो गए। हमको अयोग्य सिद्ध करने में, अरे माननीय न्यायालय, हमको अयोग्य सिद्ध करने में 17 वर्ष लग गए आपको। हम लोग अयोग्य थे तो 2001 में जब लगाया था तब हटा दिया गया होता। हमको अयोग्य करने में आपको 17 वर्ष लग गए। मैं ऐसे न्यायालय, लोग कहते हैं न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाता है, मैं शिक्षा में सम्मान नहीं करता है, क्योंकि आप बिक चुके हैं, आपने विरोधा राजनीतिक दबाव में फैसला दिया है। आपको ये नहीं लगा कि 1,72,000 शिक्षा मित्र जिसके लिए आप सड़क पे फेंक रहे हो, इनके बच्चों की रोजी रोटी ले रहे हो, ये क्या करेंगे? 45 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है 25 जुलाई से जब से फैसला आया है, किसी भी ने 2 शब्द सद्भावना के नहीं बोले। वैसे आपने देखा होगा कोई फैसला आता है, न्यायालय के जस्टिस भी ट्वीट करने लगते हैं, राष्ट्रपति भी ट्वीट करने लगते हैं, प्रधानमंत्री, जैसे ही नीतीश सरकार बिहार में गिरी, उन्होंने लालू की गिराई, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया, बहुत बहुत बढ़ाई, काम हो गया। लेकिन शिक्षा मित्र मर रहा है 4500 रुपए पर, 17 सालों से 3500 रुपए पे पढ़ा रहा है, वो 3500 भी उसका छीन लिया है, वो सड़क पे पड़ा है। आपको टाइम नहीं मिला कि एक ट्वीट करते उनके सद्भावना के लिए और वो आत्महत्या ना करे। तो ऐसे देश के कानून का, ऐसे राजनेताओं का, ये शिक्षा मित्रों का उद्धार होने वाला नहीं है। ये नवयुवक 35 से 45 साल की बीच की, जो आप अपने भाषण में बोलते हैं कि भारत की आबादी नवयुवक है, महोदय यही वो नवयुवक है। 35 से 45 साल के बीच में देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज शिक्षा मित्रों के पढ़ाए हुए बच्चे, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, IAS PCS बन गया है, तहसीलदार बन गए हैं, हमारे जनपद के कई नए तहसीलदार बन गए हैं हमारे आपके पढ़ाए हुए, और हमें क्या हुआ है? अयोग्य, एक ठप्पा लगा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षा मित्र अयोग्य है। तो इसीलिए अपने लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अयोग्यता मत ठप्पा जो लगाया गया है उसको दूर करने के लिए पुनः हम लोग अपने इस कार्यक्रम को, इस सत्याग्रह को जो हमने नाम दिया है, हमारे बीच में ऊपर का वाले का आशीर्वाद रहा तो अन्य हजारे भी जो आएंगे, उन्होंने पूरा श्वासन संगठन को दिया था लेकिन वो अस्वस्थ है, इसलिए उन्होंने ये कहा था भले हम 1 घंटे के लिए आए, 1 दिन आएंगे जरूर, तो हमें पूरी उम्मीद है उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। उसके साथ और भी कई जनप्रतिनिधि, समाज के लोग,
जिनका हमारे यहाँ के प्रति लगाव है, किसान नेता व्यक्ति है। और आपको बता दें, शिक्षा मित्र गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा है, इसलिए सरकारें नहीं सुन रही हैं, क्योंकि हमें आपको गुमराह करने के लिए इनके पास अच्छे अच्छे अस्त्र है। यही शिक्षा मित्र अगर नगर का होता, सिटी का होता, व्यापारी का बेटा होता, विधायक का बेटा होता, तो अब तक मांगे मान ली जाती। तो इसलिए हमें आपको बहुत ईमानदारी से अपने इस अभियान को जिम्मेदारी से सफल बनाना है, अन्यथा आपने देखा क्या हुआ लखनऊ में, 1.5 लाख, 1 लाख की भीड़ थी, 2 सेकेंड में उन्होंने डमरू बजा के लखनऊ खाली करा लिया। इसी के साथ अपनी बारी विराम देते हैं, आप लोगों से फिर अनुरोध करते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है ये हमारा इतने समय सीमा है, इतने में रहो। रही बात धूप की, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संगठनों का दावा करने वाले आपके लिए लखनऊ में कोई व्यवस्था नहीं कर पाए थे। मैंने यहाँ फिर भी एक छोटा संगठन अपने लोगों ने सहयोग किया है और आपके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती थी यहाँ करवाया है। तो आपसे अनुरोध है, जिंदगी पे धूप की छाया पड़ चुकी है, तो एक थोड़ा धूप अगर ये भी हमको बर्दाश्त करनी पड़े तो हम तैयार है। इसी के साथ हम अपनी बारी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई हृदेश दुबे जी, जिलाध्यक्ष कन्नौज। साथियों, आपका अपना और सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम 25 अगस्त 2017 को प्रारंभ हो चुका है और आपका यह धरना मंडल स्तरीय है। आज 3 मंडल का धरना है, आगरा, मेरठ और आजमगढ़ मंडल। बावजूद उसके अन्य जनपद से जितने भी साथी आपके बीच में आपका उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं, सबको दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश आभार प्रकट करता है और संगठन के तरफ से मंडल स्तरीय धरना सत्याग्रह आंदोलन की 25, 26, 27 3 दिन की अनुमति पूर्ण रूप से प्राप्त की जा चुकी है। इसके बाद भी यदि हमारी एक ही सिर्फ मांग है, उस पर यदि भारत सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो फिर हम अपने धरना की अनुमति आगे बढ़ाएंगे और आंदोलन को आगे चलाएंगे। इसलिए संख्या से आप जरा भी विचलित न हो, मंडल स्तरीय धरना में जितने मंडल के साथी है, जिनके अंदर की अंदर अपना भी है, जो सच को सच और झूठ पहचानने की क्षमता रखते हैं, वह सब साथी आपके बीच में उपस्थित है। बहुत से साथी रास्ते में है, हो रहा है तमाम स्थानीय जनपद के लोग अभी बस और 4 पहिया साधनों से अभी रास्ते में है। आपका आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के भाषावा में तो इनका इंतजार कर और जो इंतजार कर रहे हैं, हमारा भविष्य अंधकार में हो गया और फिर 28 को डेट पड़ी है, वार्ता अंधकार में ही होगी, कभी दिन में वार्ता अब तक नहीं हुई, और हमारी वार्ता होगी तो दिन में होगी। धरना 5 बजे समाप्त होगा, उसके बाद कोई वार्ता नहीं होगी, फिर जिसको वार्ता करना होगा अगले दिन आएगा, दिन के उजाले में बात करेगा और हमारे उज्जवल भविष्य की बात करेगा, तब हम उसकी बात मानेंगे। इसलिए साथियों, आप शांतिपूर्ण ढंग से धरना स्थल पर अनुमति ली गई है, उस अनुमति स्थल पर बैठे रहे और जो वक्ता साथी आगे आने वाले हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आपकी नौकरी गई है,
आप आवेश में हैं, बावजूद इसके आप शिक्षक भी हैं, इसलिए कोई असंस्कृत भाषा का प्रयोग न हो। शिक्षक स्वतः दूसरे को ज्ञान और शिक्षा देता है, इसलिए उस गरिमा का ध्यान रखते हुए ही आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि यह सत्याग्रह आंदोलन है। इसमें हम तब तक अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे जब तक हमें आशा है कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारा काम हो जाए। हमारे बीच में सहयोग